Now again, next C program based on array delete operation. इस केस में परफॉर्म क्या करा रहे हैं, जस्ट डिलीट ऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ एरे एलिमेंट्स. इस केस में जस्ट डिलीट क्या कराना, बिफोर गिवन आइटम्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए गिवन एलिमेंट इज 30, देन 30 के केस में जस्ट डिलीट क्या कराना होगा, 30 इटसेल्फ और 30 के जस्ट प्रीवियस एलिमेंट, जस्ट प्रीवियस एलिमेंट ऑफ गिवन विच इज 20. क्लियर. इस पर्टिकुलर केस में लॉजिक्स के रिस्पेक्ट में, जस्ट लॉजिक्स में प्रोवाइड करूंगा इन द फॉर्म ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस. फंक्शंस के रिस्पेक्ट में जस्ट टू ऑपरेशंस परफॉर्म. फंक्शन को कॉल करने का एग्जैक्टली वे क्या रहेगा, लाइक दैट वी आर क्रिएटिंग फंक्शन एमएस डिलीट. सबसे पहले फंक्शन में पास करोगे एरे का बेस एड्रेस, देन करेंट साइज ऑफ एरे. इसे एरे के रिस्पेक्ट में बात करें तो एरे के अंदर मैक्सिमम साइज क्या इसका 10. एलोकेशन कितने एलिमेंट्स क्लिक करा है, जस्ट 10 एलिमेंट्स. लेकिन इसका करंट साइज क्या, करंट साइज मीन्स नंबर ऑफ अवेलेबल एलिमेंट. तो नंबर ऑफ अवेलेबल एलिमेंट्स कितने इसमें, ओनली 5. तो इस केस में सेकेंड आर्गुमेंट क्या पास करो, साइज ऑफ एरे. थर्ड आर्गुमेंट पास क्या करो, गिवन एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल इस केस में गिवन एलिमेंट पास किया एस 30. गिवन क्या इस केस में 30. तो इस केस में अगर गिवन एलिमेंट 30 पास कितने डिलीट क्या होना चाहिए, 30 और 30 का प्रीवियस. जस्ट डिलीट क्या कराना, बिफोर गिवन मीन्स बिफोर गिवन मीन्स इट्स प्रीवियस. तो इस केस में डिलीट ऑपरेशन 30 के रिस्पेक्ट में अप्लाई किस लिए होंगे, एलिमेंट 20. क्लियर. इस केस में सबसे पहले एनालिसिस करेंगे मीन्स किस किस सिचुएशन में एलिमेंट को डिलीट करना पॉसिबल नहीं है. मीन्स फर्स्ट केस एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात करें, सपोज सेट करें एरे एम्प्टी है, मीन्स एरे के अंदर एक भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं, देन डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं. तो फर्स्ट केस क्या रहेगा, जस्ट इफ एरे इज एम्प्टी. दूसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है, सपोज दैट इफ ए गिवन आइटम इज नॉट फाउंड. सपोज दैट आप जो भी एंटर डिलीट करना चाह सो, आप जो भी गिवन एलिमेंट सप्लाई कर रहे हो, जैसे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, अगर गिवन एलिमेंट ही नॉन एग्जिस्टिंग है, देन उसका प्रीवियस एलिमेंट पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल. देन इस केस में अगेन डिलीट करना पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल इस केस में गिवन एलिमेंट पास किया एज अ 60. तो 60 करेंटली एग्जिस्टिंग एलिमेंट है, नॉन एग्जिस्टिंग. नॉन एग्जिस्टिंग जब 60 एग्जिस्ट नहीं करा, देन 60 का प्रीवियस एलिमेंट फाउंड करना पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल. देन इस केस में अगेन डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं, इफ गिवन नॉट फाउंड. इफ गिवन नॉट फाउंड सेकेंड केस. थर्ड पॉसिबल केस क्या होगा, सपोज दैट अगर गिवन एलिमेंट क्या है फर्स्ट, अगर गिवन फर्स्ट एलिमेंट, जैसे इस केस में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 10, देन आपको डिलीट क्या कराना, इस केस में गिवन और गिवन का प्रीवियस, गिवन का प्रीवियस. अगर गिवन एलिमेंट मैंने एंटर किया है 10, देन 10 का प्रीवियस पॉसिबल है. इस केस में 10 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट. अगर आप गिवन एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच हो रहा है, मीन्स इस केस में गिवन एग्जिस्टिंग तो है, लेकिन इस केस में फर्स्ट एलिमेंट का प्रीवियस एलिमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं. जैसे लास्ट एलिमेंट के बाद नेक्स्ट एलिमेंट पॉसिबल होता है, सिमिलर टाइप से फर्स्ट एलिमेंट के कभी प्रीवियस एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, देन उस केस में डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं. किस केस में, इफ गिवन इज फर्स्ट, इफ गिवन इज फर्स्ट, देन इस केस में भी अगेन डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं. मीन्स जस्ट डिलीट ऑपरेशंस अप्लाई करने से पहले आपको चेक कितने कंडीशन करने होंगे, जस्ट 3 कंडीशंस. क्लियर. बट सपोज दैट अगर गिवन एलिमेंट मिडिल एलिमेंट या लास्ट, देन अगर सपोज इस केस में पास कर किया 30 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और 30 का प्रीवियस भी एग्जिस्टिंग है, देन इस केस में डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म करना पॉसिबल. जब डिलीट ऑपरेशंस अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के रिस्पेक्ट में लॉजिक जस्ट टू स्टेप्स में डिवाइड हो, फर्स्ट वन सर्च ऑपरेशन, सेकंड वन शिफ्ट ऑपरेशन. डिलीट ऑपरेशन नथिंग बट इट इज सिंपली डेटा शिफ्टिंग ऑपरेशंस. ये सर्च ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले सर्च क्या करेंगे, इंडेक्स्ड पोजीशन ऑफ गिवन एलिमेंट. जब तक आपको गिवन का इंडेक्स नहीं मिलेगा, उसका प्रीवियस इंडेक्स फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं. तो सबसे पहले परफॉर्म क्या होंगे, जस्ट सर्च ऑपरेशन. सर्च ऑपरेशन किसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म कराओ, जस्ट गिवन एलिमेंट. एक बार एलिमेंट सर्च हो गया, देन सर्च ऑपरेशन स्टॉप करके इमीडिएटली स्टार्टिंग क्या करोगे, जस्ट डेटा शिफ्टिंग ऑपरेशन, सर्च एंड शिफ्टिंग. तो सर्च के लिए सेपरेट लूप यूज करेंगे, शिफ्टिंग के लिए सेपरेट लूप यूज करेंगे. इस केस में जस्ट मैं ये सारे लॉजिक यूजर डिफाइंड फंक्शंस के फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा. व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस डिलीट फंक्शन, डिलीट फंक्शन के लिए रिटर्न टाइप क्या यूज करोगे. इस करेंटली डिलीट फंक्शन से रिटर्न क्या कराओगे, टू पॉसिबल केस हैं. अगर डिलीट ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल मीन्स अगर एरे एम्प्टी है या फिर गिवन आइटम फाउंड नहीं हो रहा है, गिवन आइटम फर्स्ट है, अगर मीन्स इस केस में डिलीट ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, देन उस केस में रिटर्न क्या कराओगे, माइनस वन. दूसरा पॉसिबल केस क्या, अगर गिवन एलिमेंट एग्जिस्टिंग और अगर शिफ्टिंग ऑपरेशन पॉसिबल या डिलीट ऑपरेशन पॉसिबल है, उस केस में रिटर्न क्या कराओगे, इंडेक्स ऑफ डिलीटेड एलिमेंट. मीन्स रिटर्न क्या हुआ, आइदर माइनस वन और इंडेक्स, दोनों का टाइप क्या है, इंटीजर. इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज ए इंटीजर टाइप. फंक्शन नेम वी आर यूजिंग एज डिलीट. फंक्शन के केस में इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड हैं, 3. फर्स्ट केस में पास क्या हो रहा है,
नेम ऑफ द एरे, और एरे नेम के प्लेस पर एरे का बेस एड्रेस रिप्लेस हो, इसलिए या तो आप पॉइंटर डिक्लेरेशन प्रोवाइड करोगे या वन डायमेंशन एरे डिक्लेरेशन, दोनों का मीनिंग सेम है। एरे डिक्लेरेशन कन्वर्ट किसमें होगा, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर डिक्लेरेशन। सेकंड आर्गुमेंट पास कर रहा साइज ऑफ एरे, मीन्स करंट साइज, करंट साइज को स्टोर कराने के लिए सेकंड वेरिएबल क्रिएट किया जाए एन। थर्ड केस में पास किया हो रहा गिवन आइटम, इसलिए थर्ड केस में आर्गुमेंट टाइप में पास करूँ एज अ इंटीजर आइटम। क्लियर। नेक्स्ट वन लॉजिक्स, लॉजिक्स के रिस्पेक्ट में जस्ट इस केस में सर्च और शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड वेरिएबल क्या हुआ, इस केस में जस्ट इटरेटिव वेरिएबल आई, प्लस इसके अलावा वन मोर वेरिएबल रिक्वायर्ड हुआ इंडेक्स वेरिएबल। इसमें इंडेक्स वेरिएबल में जस्ट स्टोर क्या कराएंगे, डिलीटेड आइटम का इंडेक्स। क्लियर। टोटल टू वेरिएबल्स क्रिएट करने की नीड होगी, आई एंड इंडेक्स। इंडेक्स को क्रिएट करने का पर्पज क्या है, जस्ट स्टोरिंग इंडेक्स ऑफ द डिलीटेड एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट आप पहले सर्च ऑपरेशन अप्लाई करोगे, सर्च ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद देन इसके बाद चेक करेंगे दिस थ्री कंडीशन, अगर थ्री में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो रिटर्न क्या करा हुआ माइनस वन, अदरवाइज अगर सारे के सारे कंडीशन फॉल्स हैं इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट डिलीट ऑपरेशन पॉसिबल है, देन अप्लाई क्या करेंगे जस्ट शिफ्टिंग, मीन्स सर्च देन सेकेंड केस में परफॉर्म क्या हुआ कंडीशन चेकिंग, थर्ड केस में परफॉर्म क्या कराएं शिफ्टिंग। इस फाइनली प्रोसेस थ्री स्टेप्स में कंप्लीट करें, हमेशा अगर आप लॉजिक्स को जब जस्ट स्टेप्स में डिवाइड करोगे देन आपके लिए लॉजिक्स इजीली क्रिएट करना पॉसिबल, क्योंकि आपके माइंड में सेट रहता है किस ऑपरेशन के बाद किस टाइप के ऑपरेशन प्रोवाइड करने की नीड है। क्लियर। सबसे पहले ऑपरेशन को हमेशा कैटेगरी वाइज डिवाइड किया करो। नेक्स्ट वन, परफॉर्म क्या कराना सर्च, तो सबसे पहले जो भी गिवन एलिमेंट है गिवन क्या जस्ट 30, तो इसके लिए कोई आइटम है सम मीन्स थर्ड वेरिएबल क्रिएट हुआ है या आइटम, थर्ड आर्गुमेंट आइटम में कैसा हो जाएगा जस्ट 30, तो इस आइटम का वैल्यू सबसे पहले मैच किससे कराएंगे ए ऑफ जीरो से, देन ए ऑफ वन, देन ए ऑफ टू एंड सो ऑन लाइक दैट। इसे पर्टिकुलर एलिमेंट एरे के सभी एलिमेंट से मैच कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ जस्ट लूपिंग स्टेटमेंट, तो जस्ट इसके इसमें फोर लूप मैनेज करेंगे। सबसे पहले कंपेरिजन किससे हुआ जीरो इंडेक्स, प्लस इसके अलावा एक वेरिएबल रिक्वायर्ड हुआ समथिंग वेरिएबल एज आई, वी आर यूजिंग इटरेटिव वेरिएबल एज आई, देन इसके इसमें जस्ट यूज क्या करेंगे फोर लूप। फोर लूप के रिस्पेक्ट में सबसे पहले कंपेरिजन किससे हुआ फर्स्ट एलिमेंट से, और एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या रहता है ऑलवेज जीरो, प्लस कंपेरिजन सभी एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करा हुए, मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स कंपेयर होंगे अप टू एन एलिमेंट्स। क्लियर। लेकिन nth एलिमेंट का इंडेक्स क्या हुआ n माइनस वन, करंटली n का वैल्यू क्या है 5, क्योंकि एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने 5, उसका मतलब कि वो i लेस देन 5। एवरी टाइम इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट कितने से होगा जस्ट वन से, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट वन, फोर लूप के अंदर जस्ट इफ कंडीशन टेस्ट करेंगे, इफ वैल्यू ऑफ a ऑफ i, a ऑफ i मीन्स करंट एलिमेंट ऑफ एरे, अगर करंट एलिमेंट का वैल्यू आइटम के साथ मैच होता है, अगर एक कंडीशन ट्रू होता है इसका मतलब क्या गिवन इज एग्जिस्टिंग इन आई इट्स पोजीशन, जैसे ही गिवन एलिमेंट फाउंड हो रहा है तो इमीडिएटली इस ऑपरेशन को स्टॉप करा, मीन सर्च ऑपरेशन स्टॉप करने नीड होगा, सर्च ऑपरेशन को स्टॉप और टर्मिनेट करने के लिए यूज क्या करेंगे जस्ट ब्रेक स्टेटमेंट। क्लियर। देन इसको जस्ट मैं एग्जीक्यूट करके बता रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग आई में आसान क्या हो जाएगा जीरो, देन कंडीशन क्या है इसके जस्ट आई लेस देन एन, एन का वैल्यू क्या करंटली 5 और i का वैल्यू क्या है जस्ट 0, 0 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू, फर्स्ट टाइम लूप का कंडीशन कैसा ट्रू, देन इफ कंडीशन टेस्ट हुआ, इफ कंडीशन के केस में क्या फाउंड हो रहा है जस्ट a ऑफ i इक्वल इक्वल आइटम, आइटम का वैल्यू क्या पास हुआ जस्ट 30, आइटम फिक्स्ड है इन दैट केस, देन i के केस में i का वैल्यू क्या 0, तो a ऑफ 0 में एलिमेंट क्या फाउंड हो रहा है 10, फर्स्ट टाइम 30 का या गिवन आइटम का कंपेरिजन किसके साथ हुआ एरे के फर्स्ट एलिमेंट 10 के साथ, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है देन इस केस में ब्रेक को चांस मिला क्या नहीं, देन अगेन क्या परफॉर्म हुआ आई प्लस प्लस, नाउ आई बिकम्स 1। नेक्स्ट टाइम अगेन फोर लूप का कंडीशन टेस्ट हुआ आई के प्लेस पर 1 आएगा और एन के प्लेस पर 5, अगेन कंडीशन कैसा ट्रू, ट्रू है देन फिर से इफ कंडीशन टेस्ट हुआ बिकॉज इट इज अ बॉडी पार्ट ऑफ लूप, इफ के केस में टेस्ट क्या करेंगे अगेन कंडीशन, तो इफ के रिस्पेक्ट में जस्ट ए ऑफ आई, आई का वैल्यू बना है और ए ऑफ वन में क्या फाउंड हो रहा है 20, तो नेक्स्ट टाइम कंपेरिजन किसका होगा 20 का गिवन एलिमेंट 30 के साथ, अगेन कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है देन अगेन आई प्लस प्लस, नाउ आई बिकम्स 2, आई का वैल्यू क्या हो जाए इस केस में जस्ट 2, अगेन फोर लूप का कंडीशन टेस्ट हुआ 2 लेस देन 5, अगेन फोर लूप का कंडीशन कैसा है स्टिल ट्रू, लेकिन जब इफ कंडीशन टेस्ट करेंगे इफ के केस में प्रीवियस केस में इफ कंडीशन फॉल्स था, लेकिन करंटली ए ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या 2 और 2 इंडेक्स में जस्ट फाउंड क्या रहा एलिमेंट 30, तो ए ऑफ आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करो 30, आइटम के प्लेस पर 30, कंडीशन इज ट्रू, जैसे ये कंडीशन ट्रू है कंट्रोल का इन साइड बॉडी ऑफ इफ, इफ के बॉडी पार्ट में क्या जस्ट ब्रेक स्टेट, ब्रेक से कंट्रोल का सेंड वो आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, इस लूप का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन चेक कर सकते हो
जैसे ही एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होगा देन इस केस में सर्चिंग एलिमेंट, जैसे एलिमेंट को आप सर्च कर रहे थे उसका इंडेक्स क्या था, 2। सर्च किसको करा रहे थे, गिवन आइटम 30, 30 फाउंड हो, 30 का इंडेक्स क्या है 2, जो कि अवेलेबल किसमें, वेरिएबल आई के फॉर्म, जस्ट इंडेक्स आई में साइन करा लिया विद द हेल्प ऑफ गिवन लूप। दूसरा पॉसिबल केस क्या, अगर सपोज दैट आपने गिवन एलिमेंट नॉन एग्जिस्टिंग एलिमेंट पास किया समथिंग 60, तो 60 के केस में इसमें सबसे पहले किससे मैच होगा, 10 से, 20 से, 30 से, 40 से, 50 से, 50 का इंडेक्स क्या 4, उस केस में आई की वैल्यू क्या हो चुका 4, 4 से ही मैच नहीं रहा देन अगेन आई प्लस प्लस हो तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 5, देन 5 लेस देन 5 कंट्रोल बाहर आ जाएगा, मीन्स इस केस में कंट्रोल जब बाहर आ गया उसके लिए 2 पॉसिबल केस होंगे, या तो ब्रेक के थ्रू आएगा या फॉर लूप के कंडीशन के थ्रू आएगा। अगर फॉर लूप के कंडीशन के थ्रू कंट्रोल बाहर आया इसका मतलब क्या, गिवन आइटम डज नॉट एग्जिस्ट, अगर आइटम एग्जिस्ट नहीं था इस केस में कंडीशन का फॉल्स हुआ होगा जब आई का वैल्यू 10 के इक्वल हो चुका है, तो इस केस में जब बाहर आप टेस्ट क्या कराओगे सेकंड केस में, दीज 3 कंडीशंस, मीन्स 3 कंडीशन अप्लाई, मीन्स सर्च ऑपरेशन होने के बाद अब आप 3 कंडीशन चेक करने के लिए अप्लाई करो। फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करो, इज लूप एरे इज एम्प्टी और नॉट, तो एम्प्टी के केस में जस्ट कंडीशन क्या अप्लाई करोगे। वन मोर केस, अगर आइटम फाउंड नहीं हो रहा है उस केस में आई का वैल्यू क्या है 5 और एन का वैल्यू क्या है 5, मीन्स आइटम अगर फाउंड नहीं हो रहा है, फाउंड होने के केस में कंडीशन क्या है, आई इक्वल इक्वल एन, अगर आइटम में अगर एरे एम्प्टी है देन उस केस में एम्प्टी के केस में एरे का साइज एन का वैल्यू क्या होगा 0, देन इस केस में एम्प्टी कंडीशन टेस्ट करेंगे पहले। इफ वन मोर थिंग्स, इससे पहले जस्ट जो भी इंडेक्स है आई में करंटली फाउंड क्या हो रहा है, सर्चिंग एलिमेंट का इंडेक्स, सर्चिंग एलिमेंट क्या था 30, इंडेक्स क्या 2 विच इज अवेलेबल इनसाइड आई, तो इस केस में इंडेक्स कॉपी किस में करा लेंगे, वेरिएबल इंडेक्स में, तो इस केस में इंडेक्स में क्या आसान हो जाएगा, इंडेक्स में जस्ट आसान क्या कराना है, गिवन आइटम का इंडेक्स और डिलीटेड एलिमेंट का इंडेक्स, डिलीटेड एलिमेंट का इंडेक्स और डिलीटेड मीन्स आई के पास इंडेक्स किसका है, जस्ट गिवन का, और डिलीटेड एलिमेंट कौन सा होगा, जस्ट प्रीवियस ऑफ गिवन, तो प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स आसान करने के लिए आप यूज क्या करोगे, अगर आप आई आसान कराओगे देन आई के केस में आसान क्या हुआ, गिवन आइटम का इंडेक्स, जबकि आपको रिक्वायर्ड इंडेक्स क्या मीन रिटर्न क्या करा, वो डिलीटेड एलिमेंट का इंडेक्स, और डिलीटेड एलिमेंट का इंडेक्स क्या हो, जस्ट गिवन का प्रीवियस इंडेक्स, और प्रीवियस इंडेक्स क्या हो, जस्ट आई माइनस वन, अगर आई का वैल्यू वन है, आई का वैल्यू टू है, टू माइनस वन इज वन, वन के केस में सब डिफरेंस क्या रहा, वन, वन इंडेक्स में क्या फाउंड हुआ 20, डिलीट भी क्या हुआ 20, तो इस केस में जस्ट वेरिएबल इंडेक्स में क्या आसान हो जाएगा, यू आर क्रिएटिंग वन मोर वेरिएबल एज इंडेक्स, इंडेक्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडेक्स का वैल्यू क्या आसान हो रहा है इस केस में, जस्ट वन, इन दैट केस क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद चेक करें दीज 3 कंडीशंस, फर्स्ट स्टेप क्या था सर्च ऑपरेशन, देन सेकंड स्टेप अप्लाइंग दीज 3 कंडीशन, मीन्स इन 3 कंडीशंस में एलिमेंट्स को डिलीट करना पॉसिबल नहीं है, देन थर्ड ऑपरेशन क्या अप्लाई करा हो, शिफ्टिंग, तो अब सेकंड ऑपरेशन फॉलो करना है, तो सेकंड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इफ कंडीशंस क्या होंगे, फर्स्ट केस एम्प्टी, अगर एरे एम्प्टी है तो उसके इसमें डिलीट ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं, अगर एरे एम्प्टी होता है तो एरे का साइज क्या होगा, जस्ट 0, करंट साइज क्या होगा 0, 0 होने के इसमें एन का वैल्यू क्या होगा, जस्ट 0, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन इसका मतलब क्या है, कैन नॉट बी डिलीटेड, मीन्स एरे इज एम्प्टी। सेकंड केस में कंडीशन क्या अप्लाई करना है, इफ आइटम इज नॉट फाउंड, अगर आइटम फाउंड नहीं हो रहा है तो उसके इसमें आई का वैल्यू और एन का वैल्यू कैसा होगा, सेम, अगर आई का वैल्यू एन के इक्वल है देन इसका मतलब क्या है, आइटम नॉट फाउंड। दूसरा पॉसिबल केस क्या है, थर्ड पॉसिबल केस, इफ डिलीटेड आइटम इज फर्स्ट, अगर डिलीटेड एलिमेंट फर्स्ट है या फर्स्ट पोजिशन फाउंड, फॉर एग्जाम्पल डिलीटेड गिवन के पास किया 10, 10 फर्स्ट से मैच हुआ लेकिन 10 का कोई प्रीवियस एलिमेंट पॉसिबल नहीं, देन उसके इसमें डिलीट ऑपरेशन पॉसिबल नहीं, चेक क्या करो, फिर डिलीटेड इज फर्स्ट, मीन से अब अगर गिवन एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स में फाउंड हो रहा है तो उसके लिए जस्ट कंडीशन क्या बन जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स में फाउंड हो रहा है देन आई का वैल्यू क्या रहा होगा, जस्ट 0, क्यों, फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो जाएगा, मीन्स 10 इक्वल इक्वल ए ऑफ 0, कंडीशन ट्रू, अगर आई का वैल्यू 0 के इक्वल है देन इसका मतलब मीन से कंडीशन किसके लिए है, जस्ट गिवन इज अवेलेबल एट 0th पोजिशन और आइथ पोजिशन, इन सभी केसेस में आप रिटर्न क्या कराओगे, इमीडिएटली माइनस वन विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन और एनी डिलीट ऑपरेशन, इस सिचुएशन में आपको डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट केस कंप्लीट हो चुका है, सेकंड केस कंप्लीट हो चुका है, बट सपोज दैट अगर कंट्रोल इफ से बाहर आया देन इसका मतलब क्या, तीनों ही कंडीशन कैसे फॉल्स, मीन्स वी आर एबल टू डिलीटिंग ऑपरेशन, तो देन डिलीट के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या करें, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, या डिलीट किसको कराना है, आईथ एलिमेंट और आई माइनस वन एलिमेंट, आई का वैल्यू क्या 2, मीन्स 2 किस पर सेट है, जस्ट गिवन पर, आपको डिलीट क्या कराना है, गिवन और गिवन का प्रीवियस, गिवन का प्रीवियस, प्रीवियस का इंडेक्स क्या होगा, जस्ट आई माइनस वन, तो आई को कहाँ सेट करोगे, पहले प्रीवियस एलिमेंट पर, प्रीवियस एलिमेंट पर सेट करने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे, आई माइनस माइनस, जैसे ही आई माइनस माइनस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में
ये सब आई किसको रिप्रेजेंट करेगा इस केस में, 30 और 20 को, 20 को, क्लियर। आई किस पर सेट है, जस्ट 20। नेक्स्ट वन, इस प्लेस से जस्ट जब सॉरी 20 को डिलीट करोगे देन उसके जस्ट बाद, तो 20 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट में से 20 डिलीट होने के बाद प्लेस लॉजिकली कैसा है, बिकम्स एम्प्टी पोजिशन। तो एम्प्टी प्लेस को फिलअप करने के लिए सारे सारे एलिमेंट शिफ्ट कराऊंगे लेफ्ट में। तो सबसे पहले शिफ्टिंग किसके लिए हुआ, 30 के लिए, 30 इस प्लेस पर शिफ्ट हो जाए देन लॉजिकली 30 का प्लेस कंसिडर हो जाएगा एम्प्टी। देन इस प्लेस को भी अगेन फिलअप करने के लिए शिफ्ट किसको कराएंगे, 40 को, 40 इस प्लेस पर फिलअप होने के बाद 40 का करंट प्लेस कैसा कंसिडर हो जाएगा, एम्प्टी। देन 40 वाले सॉरी इस पर्टिकुलर प्लेस को फिलअप करने के लिए शिफ्ट किसको रहा, 50 को। देन 50 शिफ्ट होने के बाद 50 का करंट प्लेस कंसिडर होगा लॉजिकली एस एम्प्टी। ये डिलीट कौन हो चुका है, 20 प्लस एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट लेफ्ट पोजिशन में फाउंड हो रहे हैं। इस केस में कोई गैप है क्या, नहीं। तो गैप को फिलअप करने के लिए जस्ट रिक्वायर क्या होंगे, डेटा शिफ्ट ऑपरेशन। डेटा शिफ्ट ऑपरेशन की बात करें तो चेक करो इस केस में इंडेक्सिंग के फॉर्म में सबसे पहले शिफ्टिंग अप्लाई किसके लिए हो रहा है, इसे ओरिजिनल एलिमेंट्स क्या थे, 10, 20, 30, 40 एंड 50। सबसे पहले परफॉर्म क्या कर रहा है, आई माइनस माइनस। देन चेक कर लो पहले, सबसे पहले इंडेक्स 2 का एलिमेंट कॉपी किस में हो रहा है, इंडेक्स 3 में। सबसे पहले कॉपी क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स 2 इनसाइड इंडेक्स 1। नेक्स्ट टाइम इंडेक्स 3 का एलिमेंट असाइन किस में हुआ, इंडेक्स 2 में। जस्ट मैं थोड़ा सा नीचे राइट कर रहा हूँ, 2 एलिमेंट असाइन किस में रहा, इंडेक्स 1 में। सेम इंडेक्स 3 का एलिमेंट असाइन किस में रहा, इंडेक्स 2 में। और इंडेक्स 4 का एलिमेंट किस इंडेक्स में असाइन होगा, इंडेक्स 3। इसके बाद फर्दर कोई एलिमेंट फाउंड नहीं हो रहा, मिस आप स्टॉप कर दो। तो स्टॉप के लिए कंडीशन चेक करना होगा, इस केस में चेक करो आई का वैल्यू क्या है, 1। तो पर्टिकुलर सीरीज किससे रेफर करेंगे, यूजिंग वेरिएबल आई प्लस सेकंड टर्म को आप कंसिडर करो एज आई प्लस 1। मिस आई प्लस 1 इंडेक्स का एलिमेंट आसान किस में कराना, आई में। लेकिन लूप कब तक चला हुए, जब तक आई का वैल्यू एन से छोटा, मिस चेक करो इस केस में आई का वैल्यू क्या हो चुका, 3 और एन का वैल्यू क्या, 5। तो इस केस में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो कब तक चला हुआ, आई लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस 2 और वी कैन से आई लेस देन एन माइनस 1। दोनों के मीनिंग कैसे सेम, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन राइट डाउन करना पॉसिबल, मीन्स आई लेस देन एन माइनस 1 एवरी टाइम। परफॉर्म क्या हुआ, आई प्लस प्लस ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस 1, चेक इट अगेन। इस लॉजिक को कंटिन्यू करते हैं, जैसे ही मिसे इफ कंडीशन फॉल्स होने के बाद कंट्रोल करें इनसाइड लूप, लूप में परफॉर्म क्या हुआ, आई माइनस माइनस, तो आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, जस्ट अगेन 1, क्लियर। नेक्स्ट टाइम 1 होने के जस्ट बाद आप परफॉर्म क्या हुआ, कंडीशन टेस्टिंग चेक करो। इसके इसमें फोर लूप का कंडीशन क्या है, आई लेस देन एन माइनस 1 और एन का वैल्यू क्या है, 5, 5 माइनस 1 बिकम्स 4। इस आई का करंट वैल्यू क्या है, 1, 1 लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है देन जस्ट आई के प्लेस पर क्या आएगा, 1, 1 प्लस 1 इज 2। तो इंडेक्स 2 का एलिमेंट असाइन किस में हो रहा है, इंडेक्स 1 में, मीन्स फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीटेड। इंडेक्स 2 में क्या, 30, 30 किस प्लेस पर कॉपी हो जाएगा, प्रीवियस इंडेक्स में। नाउ 20 इज रिप्लेस्ड बाई 30, लॉजिकली 30 का प्लेस कंसिडर करोगे एम्प्टी। रियल में यहाँ कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, इज जस्ट कॉपी ऑपरेशन। इस प्लेस पर भी फिजिकली भी 30 हो, लेकिन लॉजिकली इसको कंसिडर करो एज एम्प्टी प्लेस, क्योंकि 30 ऑलरेडी प्रीवियस प्लेस पर शिफ्ट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या हुआ, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अगेन फोर लूप में कंडीशन टेस्ट करें, 2 लेस देन 4, कंडीशन अगेन ट्रू। कंडीशन ट्रू है देन फिर से आई के प्लेस पर क्या जाएगा, 2 एंड आई प्लस 1 के प्लेस पर 3। नेक्स्ट टाइम कौन सा असाइनमेंट परफॉर्म हुआ, थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस में रहा, 2 में। थर्ड इंडेक्स में फाउंड क्या रहा, 40, देन 40 भी शिफ्ट हो चुका था, लॉजिकली अब 40th एलिमेंट का इंडेक्स में से प्लेस कैसा, लॉजिकली एम्प्टी, क्योंकि 40 ऑलरेडी प्रीवियस प्लेस पर जंप हो चुका है। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। आई का वैल्यू 3 होने के केस में अगेन फोर लूप के केस में कंडीशन टेस्ट करें, 3 लेस देन 4, कंडीशन स्टिल ट्रू, ट्रू है। देन इस केस में आई के प्लेस पर क्या जाए, 3 और आई प्लस 1 के प्लेस पर 3 प्लस 1 मीन्स 4। नेक्स्ट टाइम ऑपरेशन कौन सा है, फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट थर्ड इंडेक्स में कॉपी हो रहा है, मीन्स दैट प्लेस 50 स्पेस पर जब कॉपी हो जाए देन 50 का करंट प्लेस लॉजिकली कैसा है, मीन्स इस प्लेस पर अगेन इन फ्यूचर आपके लिए अदर एलिमेंट कॉपी कराना पॉसिबल है, इंसर्ट कराना पॉसिबल है। नेक्स्ट टाइम इसके जस्ट हम चेक कर सकते हैं एलिमेंट, सारे सारे एलिमेंट शिफ्ट हो चुके हैं प्लस 20 डिलीट हो चुका है, 20 एरे में फर्दर कहीं फाउंड हो रहा है क्या, नहीं। देन परफॉर्म क्या हुआ, अगेन आई प्लस प्लस, कंडीशन के अकॉर्डिंग आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम 4। देन फोर लूप में कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन के केस में आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे, 4,
एंड एन माइनस वन के बेस पर क्या ऑलरेडी फोर, फोर लेस देन फोर कंडीशन बिकम फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के इसमें कंट्रोल कहाँ जाए, आउटसाइड लूप। जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा देन मीन्स स्पेस पर आने तक सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो चुके हैं। मीन्स फर्स्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म कराया था, सर्चिंग। सेकेंड ऑपरेशन क्या परफॉर्म कराया था, चेकिंग कंडीशन फॉर नॉट डिलीटिंग। इससे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहा था इसके साथ डिलीट ऑपरेशन पॉसिबल नहीं। देन सेकेंड के थर्ड केस क्या था, जस्ट अप्लाइंग डेटा शिफ्ट ऑपरेशन। इसके जस्ट बाद लास्ट केस में आप रिटर्न क्या कराओगे, इंडेक्स ऑफ द डिलीटेड आइटम। डिलीटेड आइटम का इंडेक्स क्या था, डिलीट कौन हुआ था, जस्ट 20। 20 का इंडेक्स क्या था, 1। लेकिन चेक करो आई में कहीं 1 फाउंड हो रहा है क्या, नहीं। लेकिन 1 में ऑलरेडी इस पर्टिकुलर इंडेक्स इक्वल टू आई माइनस 1। आई माइनस 1 के केस में इसका रिजल्ट क्या आया था, 1 ऑलरेडी किस में सामने चुका है, इंडेक्स में। इंडेक्स में फाउंड क्या हो रहा है, 1। इसलिए फाइनली इस प्लेस पर रिटर्न क्या कराओगे एंड में, रिटर्न वैल्यू ऑफ डिलीटेड इंडेक्स। क्लियर, दिस इज द पर्पज ऑफ डिक्लेयरिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल इंडेक्स। इस फाइनली दिस इज द कंप्लीटेड लॉजिक्स। लॉजिक्स कंप्लीट होने के जस्ट बाद अब नेक्स्ट केस क्या है, अभी जस्ट मैंने लॉजिक किस फॉर्म में राइट किया, इन द फॉर्म ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। लेकिन इसके अलावा परफॉर्म क्या होना है, एरे का एक्चुअल साइज क्या था, इनिशियल साइज क्या था, 5। एलिमेंट डिलीट होने के बाद साइज क्या हो जाएगा इसका, जस्ट 4। तो रिक्वायर्ड क्या हुआ, सब्ट्रैक्टिंग साइज ऑफ एरे। तो एरे का साइज फंक्शन के अंदर डिलीट नहीं करेगा, डिलीट कहाँ करा हुए, इन इट्स कॉलिंग प्लेस। जिस प्लेस पर इस फंक्शन को कॉल करो उस प्लेस पर जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे, सब्ट्रैक्शन इन साइज। मीन्स साइज में जस्ट डिक्रीमेंट कितनी होगा, ओनली 1 से। नेक्स्ट वन है इंप्लीमेंटिंग मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन इंप्लीमेंट करने के रिस्पेक्ट में जस्ट स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले परफॉर्म क्या कराएंगे, प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस। सेकेंड केस रीडिंग इनपुट्स। थर्ड केस अप्लाइंग लॉजिक्स। फोर्थ केस जस्ट डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स। क्लियर, डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स फोर्थ स्टेप। इस मेन के रिस्पेक्ट में बात करें, मेन के सारे लॉजिक्स एवरीथिंग कैसा सेम एज प्रीवियस एग्जांपल। मीन्स प्रीवियस केस में डिलीट ऑपरेशन से रिलेटेड मैंने जो भी लॉजिक्स प्रोवाइड किए हैं सेम लॉजिक्स अगेन राइट करने की जरूरत है, नथिंग न्यू। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो इसके रिस्पेक्ट में इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग मेन फंक्शन के अंदर रिक्वायर्ड क्या हुआ, एरे डिक्लेरेशन प्लस एरे का करेंट साइज स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, एन। सपोज दैट एन का वैल्यू क्या है, 5। एरे के एलिमेंट को इटरेट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, आई। प्लस जिस एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहो उस आइटम का वैल्यू पास करो, तो वैल्यू पास करने से पहले एक कीवर्ड से रीड करना होगा। तो रीड कराने के बाद किसी वेरिएबल में स्टोर कराने की नीड होगी, इसलिए एक और वेरिएबल क्या रिक्वायर्ड होगा, आइटम। आइटम मीन्स क्या है, गिवन आइटम। फाइनली मेन के अंदर कितने वेरिएबल डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड है, 4 वेरिएबल। एरे ए विद मैक्सिमम साइज 10, आप कोई भी साइज यूज कर सकते हो। देन करेंट साइज किससे रिप्रेजेंट होगा, एन से। एलिमेंट को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वेरिएबल आई। नेक्स्ट वन रीडिंग गिवन आइटम। टोटल कितने वेरिएबल डिक्लेरेशन है, 4। फोर वेरिएबल का डिक्लेरेशन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सेविंग टाइम। नेक्स्ट वन रीड ऑपरेशन। मीन्स एक बार आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर लिया, देन सेकंड लेवल पर परफॉर्म क्या करोगे, रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड। कीबोर्ड से इनपुट्स में क्या क्या रीड कराना, सबसे पहले क्या रीड कराओगे, इनिशियल साइज ऑफ एरे। जब तक आपको एरे का ही साइज नहीं पता होगा, देन एरे के लिए कितने एलिमेंट्स रीड कराना है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। तो पहले एरे का साइज रीड करेंगे, देन एरे के लिए एन आइटम्स रीड करोगे। तो इनपुट्स में सबसे पहले क्या रीड करेंगे, वैल्यू ऑफ एन। इस नेक्स्ट केस में स्कैनर से रीड क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ एन। एन का वैल्यू रीड करने के बाद नेक्स्ट लेवल पर रीड क्या कराना है, एन आइटम्स फॉर एरे। एन का वैल्यू 5 है, देन एरे के लिए कितने एलिमेंट्स रीड करो, 5 एलिमेंट्स। एन का वैल्यू 10 है, देन एरे के लिए कितने एलिमेंट्स रीड करो, 10 एलिमेंट। तो नेक्स्ट टाइम लूपिंग के हेल्प से जस्ट परफॉर्म क्या हो रहा है, रीड ऑपरेशन। इस स्कैनर के थ्रू एवरी टाइम वैल्यू किसके लिए रीड होगा, ए ऑफ 5 प्लस इस लूप के थ्रू 0 टू एन ऑल एलिमेंट्स रीड हो जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट टाइम इसके अलावा इनपुट्स में रीड क्या कराना है, गिवन आइटम। जैसे एलिमेंट का प्रीवियस आप डिलीट करना चाहते हो तो आप रिटर्न एंटर क्या कराओगे, गिवन आइटम। गिवन आइटम का वैल्यू स्टोर कराने के लिए वेरिएबल क्या, आइटम। तो नेक्स्ट टाइम इनपुट में रीड क्या करें, वैल्यू ऑफ डिलीटेड सॉरी गिवन आइटम। तो गिवन आइटम रीड करने के लिए नेक्स्ट टाइम अगेन स्कैनर के थ्रू रीड क्या हो रहा, आइटम। जस्ट बेसिक स्टेप्स है, इसमें कोई लॉजिक्स नहीं है, इसलिए मैंने ऑलरेडी राइट डाउन कर रखा है। नेक्स्ट टाइम अप्लाई क्या करोगे, डिलीटेड लॉजिक्स। मीन से लॉजिक क्या अप्लाई कराना, डिलीटिंग बिफोर गिवन। तो किसी भी एलिमेंट को डिलीट कराने के लॉजिक्स में ऑलरेडी सेपरेटली यूजर डिफाइंड फंक्शन में राइट डाउन कर चुका हूँ। तो मेन फंक्शन के अंदर आपको लॉजिक्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, सिंपली कॉल क्या करोगे, दिस डिलीट फंक्शन। क्लियर, डिलीट फंक्शंस को कॉल करने के लिए रिक्वायर्ड इनपुट पास करेंगे। लेकिन डिलीट के केस में रिटर्न क्या हुआ, आइदर माइनस वन और इंडेक्स ऑफ द डिलीटेड एलिमेंट्स। क्लियर, तो इस केस में कॉलिंग प्लेस पर चेक करोगे मीन एलिमेंट सक्सेसफुली डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर फेल्यूर है तो उस केस में रिटर्न क्या हुआ, माइनस वन।
पॉन सक्सेस रिटर्न क्या हुआ, सम वैलिड इंडेक्स और पॉजिटिव और जीरो इंडेक्स। पॉजिटिव और जीरो इंडेक्स केस में देन ये एक्नॉलेजमेंट क्या प्रोवाइड करेगा, एलिमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर एलिमेंट सक्सेसफुली डिलीट हुआ है देन उस केस में एरे का साइज जस्ट रिड्यूस कितने से हो जाएगा, जस्ट वन से। जैसे 20 डिलीट होने के बाद 20 के प्लेस पर क्या जाएगा 30, 30 के प्लेस पर 40, 40 के प्लेस पर क्या जाएगा 50, एंड 50 का करंट प्लेस लॉजिकली कैसा है एम्प्टी। इन दैट केस अब एरे के अंदर करंटली कितने एलिमेंट बचे, ओनली 4, तो उस केस में एन का वैल्यू आपको रिड्यूस करने की जरूरत होगी। तो इसके अलावा आप परफॉर्म क्या कराओगे लॉजिक के रिस्पेक्ट में, एन माइनस माइनस। लेकिन ये एन माइनस वन डायरेक्टली परफॉर्म कराओगे और कंडीशनली, कंडीशनल रीजन सपोज दैट एलिमेंट डिलीट ही नहीं हुआ, अगर गिवन आइटम फाउंड ही नहीं हुआ। सपोज दैट एरे का इनिशियल साइज क्या था 5, गिवन आइटम मैंने पास किया 100, 100 फाउंड हो रहा है क्या नहीं, देन उस केस में कोई एलिमेंट डिलीट ही नहीं हुआ, रिटर्न क्या हुआ माइनस वन। जब एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ तो साइज को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं, इसलिए डिक्रीमेंट कैसा हो कंडीशनली। तो कंडीशन में मैंने जस्ट नेक्स्ट टाइम कॉल क्या किया डिलीट, डिलीट इफ कंडीशन में कॉल किया है इफ के अंदर। अगर इसका वैल्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस वन है, मीन्स माइनस वन नहीं है, देन उसके इसमें परफॉर्म क्या हुआ एन इक्वल्स टू एन माइनस वन। करेंटली इसके इसमें रिटर्न क्या हुआ है वन, डिलीटेड एलिमेंट करने इसका रिटर्न हुआ है वन। वन नॉट इक्वल्स टू माइनस वन कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है देन एन माइनस माइनस होगा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 4, क्लियर। तो एन में आप सबटेक्स्ट में कहाँ कराओगे, डिलीट फंक्शन के अंदर या कॉलिंग फंक्शन के अंदर, इनसाइड कॉलिंग फंक्शन। क्यों डिलीट के एन में अगर कुछ चेंजेस कर दो इसे कॉलिंग फंक्शन का एन अफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन रिजल्ट्स, फाइनली आपने यहाँ ऑपरेशन किसके लिए अप्लाई किए थे एरे के लिए, तो रिजल्ट्स भी किसमें अफेक्ट हुए इन द फॉर्म ऑफ एरे। तो नेक्स्ट टाइम इस डिलीट ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ है, ऑपरेशंस को वेरीफाई करने के लिए जैसे डिस्प्ले क्या कराएंगे एलिमेंट ऑफ द एरे। तो नेक्स्ट टाइम रिजल्ट्स में डिस्प्ले क्या कराओगे ऑल एरे एलिमेंट। तो नेक्स्ट टाइम लूप के थ्रू जस्ट डिस्प्ले क्या हो रहा है एलिमेंट ऑफ द एरे, एरे में क्या फाउंड हो रहा है 10, 30, बिकॉज 20 इज डिलीटेड, 40 एंड 50। एन का वैल्यू 4 हो चुका है इसलिए 4 लूप कितनी बार चलेगा 4 टाइम्स, इसलिए एलिमेंट भी कितने डिस्प्ले होंगे ओनली बिगिनिंग 4 एलिमेंट। जबकि फिजिकली इस प्लेस पर भी क्या फाउंड हो रहा है स्टिल 50, इन 50 अब एरे का पार्ट है क्या, लॉजिकली इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एरे। फाइनली इस केस में आउटपुट क्या आएगा दैट वन, ये प्लेस लॉजिकली कैसा है जस्ट एम्प्टी, क्लियर।